नमस्कार मैं डॉक्टर आलोक चौहान असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर ऑफ ज्योग्राफी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा प्रिय विद्यार्थियों हम जो अपर्दन के कारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे उसी क्रम में हम जो अगला अपर्दन का कारक है उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में चर्चा करेंगे और वो कारक है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है पवन विंड एओलियन लैंडफॉर्म्स या पवनकृत भू आकृतियाँ आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य है कि जो विंड है उसके द्वारा इरोजन ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है और इन तीनों प्रक्रियाओं के उपरांत किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हवा है पवन है उसका अपर्दन या उसकी अपर्दन शक्ति किस क्षेत्र में किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक होती है या प्रभावी होती है यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि समुद्र की तरंगों भूमिगत जल प्रवाहित जल यानी कि नदी उन्हीं के समान पवन भी अपर्दन का एक बहुत बड़ा कारक होता है और जिसके द्वारा बहुत ही विशिष्ट स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है शुष्क और जो शुष्क मरुस्थली भाग हैं वहाँ पवन अपर्धन बहुतायत में होता है अधिक मात्रा में होता है क्योंकि वहां वर्षा कम होती है और वनस्पति का अभाव होता है जहां वनस्पति का अभाव होता है वहां तापमान में तापांतर के कारण और वायु की तीव्र गति के कारण जो वायु अपर्दन है वो अधिक होता है क्योंकि यहाँ वायु को यांत्रिक अक्ष अक्षय यानी कि मैकेनिकल वेदरिंग करने में बहुत सहायता मिलती है यहाँ एक चीज आपके आपको जानना अति आवश्यक है कि जो पवन बाकी सब जो अपर्दन के कारक है उनके द्वारा निर्मित स्थल रूप और पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप में एक मुख्य अंतर यह होता है कि पवन का जो अपर्दन कार्य है वो धरातल से कुछ फीट तक प्रभावी होता है आप मान लीजिए पाँच सात फुट तक वो ज्यादा इरोजन होता है क्योंकि जो पवन है उसकी जो इरोजनल टूल हैं जो डेब्रिज हैं उसके साथ पेबल्स हैं उनकी परिवहन की क्षमता नीचे के भाग में ज़्यादा होती है क्योंकि आप देखें पत्थर बहुत ज़्यादा हवा में ऊंचा नहीं उड़ सकते ना तो वो नीचे नीचे पांच छः सात आठ दस फीट तक वो ज़्यादा इरोजन करते हैं उसके ऊपर वो इरोजन उतना नहीं कर पाती है क्योंकि वो जो उसके साथ जो इरोजन के टूल हैं जो वो उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं पवन के जो इरोजन टूल हैं जो विंड के जो इरोजन टूल हैं वो कई प्रकार से गति करते हैं कुछ तो सस्पेंशन में करते हैं जो बारीक होते हैं हवा के साथ निलंबित हुए लटकते हुए चलते रहते हैं कुछ साल्टेसन में करते हैं जिसको अपने कहते हैं भाई एक जगह गिरे फिर वहाँ से तेज हवा आई तो दूसरी बार फिर तब तक वेट करते हैं जब तक इतनी तेज़ हवा नहीं आ जाए जो उनको उठा के तीसरी जगह दे तो और कुछ ट्रैक्शन की तरह चलते हैं कि जो धरातल पर हवा के साथ लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ते रहते हैं तो इस प्रकार जो पवन के जो इरोजनल टूल हैं या पवन के जो डेब्रिज हैं उसके मूवमेंट करने के ये तीन चार तरीके हैं हम बात करते हैं कि विश्व के किन क्षेत्रों में पवन का जो ये अपर्दन कार्य है ये कहाँ जाना प्रभावी है तो आप देखेंगे कि जो एशिया है हमारा उसमें सहारा और अरब तकला माकन गोभी मरुस्थल है अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो कालाहारी नामीबिया और कारू जो डेजर्ट है दक्षिण अमेरिका में अपना पेटागोनिया अटाकामा चिली तथा पेरू के जो मरुस्थल हैं उत्तरी अमेरिका में एरिजोना के मोजावा है और मैक्सिको का सोनोरा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है इन क्षेत्रों में विश्व के जो मुरुस्थुल प्रदेश हैं उनके बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे तो जो मुख्य मुरुस्थली प्रदेश हैं विश्व के वहाँ वायु द्वारा अपर्दन का कार्य ज़्यादा प्रभावी होता है दृष्टिगत होता है अब जैसा मैंने आपको बताया कि अन्य जो अपर्दन के कारक होते हैं उन्हीं के समान जो पवन है उसके भी तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं अपर्दन का यानी कि जो चट्टान है उसका टूटना परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और निक्षेपण निश्चित दूरी तय करने के बाद और अनुकूल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसका एक जगह कई जगहों पर जमा होना हम बात करते हैं कि पवन का अपर्दन कार्य होता कैसे है इनमें जो पवन का अपर्दन कार्य है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है डिफ्लेशन या एबलेशन इसमें क्या होता है पवन जो बारीक रो रॉक के टूटे हुए टुकड़े हैं पत्थर चू चट्टान चूर्ण है उनको हवा के तेज वेग के साथ अपने स्थान से उड़ा ले जाता है फिर वो जगह खाली हो जाती है धीरे धीरे वहाँ विभिन्न प्रकार की यांत्रिक प्रक्रियाओं से फिर चट्टान चूर्ण पैदा होता है और पवन फिर उसे उड़ा ले जाती है इससे धीरे धीरे गर्द का निर्माण होता रहता है ये जो प्रक्रिया है ढीले पड़े कणों को पवन द्वारा उस स्थान से उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया इसे कहते हैं एबलेसन इसी के साथ दूसरी जो प्रक्रिया है अपर्धन का किस प्रकार पवन अपर्दन का कार्य करती है उसमें महत्वपूर्ण तो है एब्रेशन और कोरोसन इसमें क्या करती है पवन पवन के जो वेदरिंग टूल्स हैं जैसे पत्थर हैं डेब्रिज है वो किसी एक प्लेटफॉर्म को रगड़ते हुए घिसते हुए चलते हैं जैसे आपने देखा कभी रेग माल से हम कोई चीज साफ़ करते हैं उसी तरीके से जो वायु के अंदर उसके जो विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो किसी धरातल पृष्ठ को रगड़ते हुए चलते हैं घिसते हुए चलते हैं ये प्रक्रिया कहलाती है एब्रेशन और तीसरी चीज है सन्नी घर्षण जिसको एट्रीसन कहते हैं इसमें क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के जो नुकीले पत्थर हैं जो हवा के साथ साथ गति कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं उनका आकार भी छोटा होता रहता है और वो खुद वो खुद आपस में भी छोटे होते हैं और जिस धरातल से गुजर रहे होते हैं उस पर भी ये अपर्दन का कार्य करते हैं परंतु उसकी तुलना में इनका आपस में जो रगड़ के छोटा होना है सन्नी घर्षण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अब मरुस्थल में जो बताया कि विंड इरोजन के लिए या विंड प्रोसेस के लिए एवोलिन प्रोसेस के लिए आदर्श स्थान होता है वहाँ कौन कौन से स्थल रूप इस पवन द्वारा बनते हैं तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वात गर्त जिसे ब्लो आउट कहते हैं ये डिफ्लेशन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं इसमें क्या होता है कि उष्ण और शुष्क मरुस्थल हैं वहाँ जो पत्थर होते हैं वो हवा चट्टान चूर्ण होता है वो हवा से उड़ जाता है फिर उसके बाद फिर चट्टान चूंड पैदा होता है फिर धीरे धीरे इस तरह का गर्त बन जाता है इस गर्त को कहते हैं ब्लो आउट वात गर्त कहते हैं अब दूसरा है यही जब वात गर्त और गहरा हो जाता है तो इसे गहन वात गर्त कहते हैं और अभी जो आपको मैंने बताया कि चट्टान चूर्ण को हवा उड़ा ले जाती है प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक भूमिगत जल नहीं आ जाए और जैसा कि आप जानते हैं मरुस्थली क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे होता है इसलिए ये गर्त बहुत गहरे होते जाते हैं इसी तरीके डेजर्ट पेवमेंट होता है आप देखें कई जगह बहुत तेज हवा चलती है या बहुत तेज़ आंधी आई है उसके बाद देखेंगे जो आप विभिन्न आकार के पत्थर हैं वो जगह जगह बिखरे हुए बिछे हुए पाए जाते हैं तो लगता है कि इसी ने पटरियों के रूप में पत्थर बिछा दिए हैं तो इस वे इनको क्या कहा जाता है डेजर्ट पेवमेंट मरुस्थली पटरियाँ अन्य जो अपर्दन से बना स्थल रूप है असला करती है उसमें एक है तिपहल जिसे वेंट इफेक्ट कहते हैं इसमें क्या होता है कोई चट्टान का टुकड़ा पड़ा है और हवा आ रही है अपने साथ जो और पत्थर हैं उनसे उस चट्टान के टुकड़े को तो एक साइड से घिसती जाती हैं तो उसका नाम हो जाता है वेंट इफेक्ट अगर वही टुकड़ा दो ओर से घिसना शुरू हो जाता है कभी हवा इधर से उसे आके उसके इोजन टूल से उसका इरोजन कर रही है कभी इस साइड से कर रही है तो दो तरफ से अगर उसका इरोजन हो रहा है तो उसको कहते हैं ड्राई कांटर या त्रिकोटिका इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से में होता है उसमें के की एक स्टैंड के रूप में चट्टान खड़ी हुई दिखाई देती है उसे कहते हैं रोक पेडलिस्टर आपने मरुस्तुल क्षेत्रों में का अगर अवलोकन किया होगा तो आपने देखा होगा वहां मिट्टी में बहुत बड़े बड़े से गड्ढे से बने रहते हैं और कई तो आर पार भी दिखते हैं ये होते हैं असल में इनको हम कहते हैं विंड वोन केव्स कि जो पवन के साथ उसके जो इरोजिनल टूल्स चलते हैं नुकीले पत्थर हैं वो उस मिट्टी में ड्रिल करते हैं और इतना गहरा करते हैं कई बार वो आर पार हो जाते हैं तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उनको हम पुल कहते हैं और जब तक वो पार नहीं जाते हैं सिर्फ ड्रिल करके छोटे छोटे घरोंदे या हम कह सकते हैं कि बिल जैसे बनाते हैं उनको हम कहते हैं विंड केव्स अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थल रूप है पवन ऊपर द्वारा बनता है उसका नाम है छत्र क्या ग्यारह इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की सेल है वो कठोर होती है और नीचे की सेलें मुलायम होती हैं मान लीजिए कहीं ऐसी करती है कि ऊपर जो है कवर है वो कठोर सेल का है नीचे मुलायम सेलें हैं तो जब हवा चलती है चारों तरफ से तो मुलायम छले तो कट जाती हैं पर ऊपर वाली जो टेबुलर फॉर्म में खड़ी रहती है ऊपर वाली चट्टान तो ऐसे लगता है कि किसी एक पिलर के ऊपर कोई टेबल रखी हुई है या किसी एक खंबे के ऊपर कोई है किस तरीके से चौकोर पत्थर रखा हुआ है इस तरह की आकृति को छत्रक गारा पिल्ज फैल्सन कहा जाता है और इसको मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल में गारा कहकर बुलाते हैं ये देखिए आप जो आइडियल या आदर्श छत्रक शिला किस प्रकार की होती थी, थी कि धरातल के नजदीक ही इसका एकदम बिल्कुल पतले रूप में धरातल से जुड़ी हुई है और ऊपर जाके देखिए ये क्यों है क्योंकि धरातल के निकट पवन अपर्दन अधिक करती है इसलिए पवन ने ज्यादा अपर्दन किया है और ऊपर पवन की अपर्दन शक्ति कम हो जाती है और साथ ही ऊपर वाली चट्टान कठोर भी है इसलिए ऊपर अपर्दन कम हुआ है इस प्रकार इन जो विभेदीकृत अपर्दन है डिफरेंशियल इरोजन है हार्ड और सॉफ्ट रॉक उसके परिणाम स्वरूप इस स्थलाकृति का निर्माण होता है अब ये देखिए जो अभी आपको बताया था कि बहुत लंबी जो ऊपर वाली रॉक है वो काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैली हुई है अगर वही रॉक लंबे क्षेत्र में फैलकर अगर छोटे छोटे पैचेज में फैली हुई है तो ये कई प्रकार की जो हमारे पिल्ज फैल्सन या छत्रशिला ने बनकर इस प्रकार के अर्थ पिलर्स बन जाते हैं इनके ऊपर तो कठोर रॉक कहते हैं इसलिए ऊपर से तो कटा हुआ नहीं पर नीचे मुलायम रॉक थी उनका कटाव हो गया तो इनको ये संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के रॉक्स हैं जो कि नीचे से तो धरातल से काफ़ी चौड़ाई से जुड़े हुए हैं पर ऊपर उनके ऊपर बिल्कुल छोटा सा कठोर से टुकड़ा है इनको डेमोई सेल्स भी कहते हैं अब हम बात करते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रूप की मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर कठोर और मुलायम चट्टाने लंबवत रूप में स्थित है एक चट्टान कठोर है फिर मुलायम है फिर कठोर है फिर मुलायम है तो यहाँ भी क्या होगा डिफरेंशियल इरोजन होगा विवेदिकत इरोजन होगा इसमें क्या होता है जो मुलायम चट्टान है वो तो पवन के इरोजन के जो टूल्स हैं उनसे कट जाएगी पर कठोर चट्टान है वो अपनी जगह उसी जगह खड़ी रहेगी तो ये वायु अपघर्षण द्वारा निर्मित स्थल रूप है और उसके किनारे असमान होते हैं मुलायम चट्टान है वो ज़्यादा कट रही है जबकि कठोर चट्टान है वो कम कट रही है अब अभी हमने बात की है यार्डन की अब हम बात करते हैं जीव की अगर कठोर और मुलायम चट्टान हैं उनके स्तर लंबोत न होकर क्षैतिज हैं एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या होता है कि कठोर चट्टान से बिल्कुल थोड़ा सा गैप मिलता है अंदर की ओर हवाएं अपर्दन करती हैं तो अंदर अपर्दन होता रहता है पर बाहर की चट्टान अपनी जगह पर स्थिर रहती है इसमें बहुत कम अपर्दन होता है तो इस प्रकार से जीवगैन का निर्माण होता है अब आप आपको मैं चित्र से स्पष्ट करता हूँ इस चीज़ को आप देखिए इसमें किस प्रकार यारडंग में कठोर और मुलायम चट्टान है वो लंबत रूप में स्थित है और अपर्दन के पश्चात देखिए मुलायम चट्टान का इरोजन हो गया है जबकि कठोर चट्टान अपने स्थान पर वैसी वैसी स्थिर है या उसका कम अपर्दन हुआ है तो इसके असमान किनारे हैं क्योंकि जो मुलायम चट्टान का किनारा था वो ज़्यादा उसका इरोजन हुआ है ज़्यादा कट गया है कठोर चट्टान वाले में कम कटा हुआ है तो इसको तो कहते हैं हम यारडंग अब आग आइए जुगेन पे यहाँ देखिए ऊपर वाली चट्टान कठोर है वहाँ बहुत कम इरोजन हुआ है पर उसके अंदर जो मुलायम चट्टान है उसका इरोजन ज्यादा हुआ और धीरे धीरे एक लंबे खड्डे का निर्माण हो गया है और चट्टानों का स्तर है वो लंबवत है चट्टाने हैं एक दूसरे के कठोर और मुलायम चट्टान एक दूसरे से क्षेत्रज रूप में स्थित हैं अब हम बात करते हैं इंसलबर्ग जैसा हमने बात की थी जो लैंड फॉर्म्स थे वहाँ जो मोनाडनाक है वही यहाँ इंसलबर्क है ये इरोजन के लास्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं अवशिष्ट के रूप में दिखाई देते हैं कि सब सबका इरोजन हो गया पर इनका नहीं हुआ इनको मुख्य रूप से काला मरुस्थल में देखा जाता है और इनका नाम भी बोन हार्ट है इनको बोन हार्ट भी कहा जाता है इंसल बर्क को ये देखिए आप कि किस प्रकार में बाकी सब इरोजन हो गया है और ये बोन हार्ट्स हैं ये बचे हैं ये बोन हार्ट की जो निर्माण की प्रोसेस है वो भी डायग्राम द्वारा प्रदर्शित की गई है किस प्रकार इसका डेवलपमेंट होता है हम तो बात करते हैं पवन निक्षेपण से बने भू आकार जैसा कि आपको विदित है कि पवन से बालू का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण स्थल रूप है पर उससे भी एक अधिक महत्वपूर्ण स्थल रूप है लोयस इसमें क्या होता है बहुत बहुत ही बारीक जो सिल्ट है धूलकण है वो उड़कर हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके जमा हो जाते हैं उत्तरी चीन में इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं जो मंगोलिया के मरुस्थलों से उड़कर पश्चिमी हवाओं द्वारा उस स्थान पर ले जाए गए हैं तो उसी स्थान के नाम पर जो पवन प्रदन द्वारा बिल्कुल बारीक धूल से बने हुए जो स्थल रूप है उनको लोयस कहा जाता है आप बाल का स्तूप है इसके बारे में आप सब जानते हैं कि पवन अपने अपर्दन अपहन द्वारा एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर ले जाती है और जब वहाँ उसको कोई ऑब्स्टेकल मिल जाता है या कोई सहारा मिल जाता है उसके सहारे वो मिट्टी डिपोजिशन हो है तो उसका जमाव होना शुरू हो जाता है और बाल का स्तूपों की आकृति आकार उनमें प्र, उनको प्राप्त होने वाली सामग्री धूल कणों की आकृति हवा की भिन्न भिन्न शक्ति दिशा धरातल किस प्रकार का है वायु मार्ग में अवरोध है कि नहीं है जमा, जमाव का स्थान कैसा है इन चीजों पर निर्भर करता है कि बालुका का स्तूप कैसा बनेगा और किस आकार का बनेगा ये देखिए बालुका स्तूप के कुछ प्रकार हैं ट्रांसफर्स ड्यून है लोंगिट्यूडनल है पैराबोलिक है बरकान ड्यून है अब आप इसमें देखिए इसमें किस तरीके से विंड डायरेक्शन विभिन्न प्रकार के स्तूपों के निर्माण में निर्णायक होती है या किस विंड डायरेक्शन से किस प्रकार के स्थल रूप बनते हैं आप देखिए यहाँ पैराबोलिक और बर्कांड देखिए आप इनमें देखिए कि इनकी सेप तो एक जैसी है आकृति एक जैसी है परंतु बरकांड में जो टिप है आप देखिए वो टिप है विंड डायरेक्शन में जबकि पैराबोलिक में जो टिप है वो एंटी विंड डायरेक्शन है पवन के विपरीत दिशा में उसके जो नुकीले सिरे हैं वो इंगित कर रहे हैं जबकि बरकान में पवन की दिशा में इंगित कर रहे हैं इस प्रकार देखिए आप लॉन्गिट्यूनियल ड्यून्स हैं वो एक दूसरे से पैरली हैं और उनके बीच में ड्यून फ्री क्षेत्र है जिसके होकर मरुस्ली क्षेत्रों में मार्ग भी आवागमन के मार्ग भी डेवलप किए जाते हैं इसी तरीके आप सीफ देखिए सबसे छोटा सेंड्यून का फॉर्म होता है जो अर्थतंत्रा रूप में है और ट्रांसफर सेंड्यून कैसे जो विंड डायरेक्शन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली डेवलप होते हैं देखिए जो लॉन्गिट्यूडल है पैरल हैं और जो ट्रांसफर ड्यून्स हैं वो विंड डायरेक्शन के एकदम परपेंडिकुलर डेवलप हुए हैं अब हम बात करते हैं फ्यूबियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में ये एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है विद्यार्थियों जो अर्ध सु क्षेत्रों में जो पर्वत से गिरी हुई बेसिन होती है इसको इंटर माउंटेन बेसिन कहते हैं उसे बालसन के से नाम से जाना जाता है अब इस बालसन में क्या है कई बार बारिश ज़्यादा होती है मरुस्तली क्षेत्र में तो इस बालसन के अंदर एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे पलाया कहते हैं ये बहुत ही इसकी सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें ये लवणी होती है इसको ममलाह सट भी कहा जाता है इसके बहुत से नाम हैं तो अब जो बालसन है उसके अंदर पलाया डेवलप होती है इसी के साथ एक और लैंडफॉर्म होता है जिसको बाजादा कहते हैं ये बाजादा क्या होता है जो शुष्क अर्ध शुष्क मस्थली क्षेत्रों में जो पर्वत है और जो पलाया है उसके बीच में जो जेंट्रल स्लोप का एरिया होता है जहाँ डिपोजिशन हो रहा है उसे बाजादा कहते हैं और पेडिमेंट बाजादा और जो पर्वत पर्वत है पर्वत की तलहटी के बीच का क्षेत्र है उसे पेडिमेंट कहते हैं जैसे जैसे इनका स्लोप घटता जाता है सबसे ज़्यादा स्लोप है पेडिमेंट का फिर जेंट्रल स्लोप है बाजादा का तो जो अगर हम पलाया से चलें तो सबसे पहले बाजादा आता है फिर पेडिमेंट आता है फिर माउंटेन फ्रंट आता है ये फ्ल्यूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स है तो छात्रों आज आप एवोलियन लैंड फॉर्म्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की अगले लेक्चर में हम इरोजन के दूसरे जो कारक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद